Assalamu alaikum students, today we are going to discuss the topic of imbibition in botany's lecture. Let's see what imbibition is. It is the special type of diffusion in which an imbibent absorbs water on its surface without dissolving in it. ये आपके पास diffusion की एक ख़ास किस्म है जिसमें जो है वो वाटर जो है उसको इम्बाइबेंट यानी कि वाटर एब्जॉर्ब करने वाली चीज़ कोई सरफेस जो है वो अपने ऊपर अडहेयर कर लेगी, उसे एब्जॉर्ब नहीं करेगी, अपने अंदर जो है वो डिसॉल्व भी नहीं करेगी उसको, बल्कि वाटर के मॉलिक्यूल उस सरफेस पर जाके अडहेयर हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, उसके अंदर कोई भी चीज़ जो है वो वाटर मॉलिक्यूल के मिक्स नहीं हो रही। इसके मिसाल आप जो है वो चिकपी की ले लो, चना जो आप पानी में भिगोते हो तो उसका सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा होता है क्योंकि वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जबकि चना जो है वो पानी के अंदर मिक्स नहीं होता, उसमें जो है वो डिसॉल्व नहीं होता। इसमें हमारे पास वाटर को ढेर करने वाली जो चीज़ है वो चिकपी है, तो चिकपी को हम इम्बाइबेंट का नाम देंगे। इम्बाइबेशन इज़ अ हाइड्रोफिलिक सरफेस लाइक, अब वो कहता है कि इम्बाइबेंट आपके पास क्या होगा, इम्बाइबेंट आपके पास कोई भी जो है वो सरफेस हो सकती है जो हाइड्रोफिलिक है, जैसे कि प्रोटीन भी हो सकती है, स्टार्च भी हो सकता है, क्ले भी हो सकता है। और फिर वो कहता है कि आपके पास जो फोर्स जो है इम्बाइबेंट प्रोड्यूस कर रहा है वाटर को अडहेयर करने की जो फोर्स होगी उसको हम जो है वो मेट्रिक पोटेंशियल या इम्बाइबेशन पोटेंशियल का नाम देते हैं। अब आपके पास जो मेट्रिक पोटेंशियल है वो टर्म जो है वो सोल्यूट पोटेंशियल जो है उसके बराबर है, उसी की एनालॉगस फॉर्म है, जिसमें जो है वो कहता है कि आपके पास पोटेंशियल जो है मैक्सिमम एब्जॉर्ब होगा जब एब्जॉर्बेंट जो है उसको आपने प्योर वाटर के अंदर जो है वो सबमर्ज कर दिया है, प्योर वाटर लिया है उसके अंदर आपने जो है वो चीज़ को इम्बाइबेंट को डाल दिया है, उसका पोटेंशियल जो है वो डेवलप हो जाएगा जो कि सोल्यूट मेट्रिक पोटेंशियल डेवलप होगा जो कि सोल्यूट पोटेंशियल के बराबर है। वो जो है उस प्रेशर की वजह से पानी जो है वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा फ़ौरन से उस प्रेशर की वजह से, कहाँ पे, इम्बाइबेंट के ऊपर। और इम्बाइबेंट जो है वो कहता है कि इसमें आपके पास दूसरा जो प्रेशर बनेगा वो तब बनेगा जब इम्बाइबेंट ने जो है वो इनफ वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया है, तो यहाँ पर टर्गर प्रेशर जो है वो बिल्ड हो सकता है। तो हम जो है वो कहेंगे कि वाटर पोटेंशियल आपके पास मेट्रिक पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल के बराबर होता है। और अब आपके पास ऐसा इम्बाइबेंट जिसने भी वाटर एब्जॉर्ब नहीं किया, वहाँ पर टर्गर प्रेशर जो है वो बिल्डअप नहीं होगा। टर्गर प्रेशर वो प्रेशर है जो कि आपके पास सेल के अंदर बिल्डअप होगा, उसको जो है वो इतना फुला देगा के मज़ीद जो है वो सेल वॉल उसको अलाउ नहीं कर रही वाटर लेने को। अब आपके पास जो है वो एक एम्बाइबमेंट है जिसने भी वाटर जो है वो एब्जॉर्ब नहीं किया, वहाँ पे ट्रिगर प्रेशर जो है वो बिल्डअप नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हमारे पास प्रेशर जो है वो बिल्कुल प्रेशर पोटेंशियल जो है बिल्कुल ज़ीरो है, तो वाटर पोटेंशियल जो है वो मेट्रिक पोटेंशियल के बराबर होगा। कंडीशन नेसेसरी फॉर इम्बाइबेशन, आपके पास कौन सी चीज़ें जो हैं वो इम्बाइबेशन में होने के होना ज़रूरी है। पहली चीज़ वो जो डिस्कस कर रहा है वो कहता है कि वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट होना चाहिए, यानी कि आपके पास जो है वो वाटर पोटेंशियल की गैप होना चाहिए इम्बाइबेंट के दरमियान और प्योर वाटर के दरमियान। जैसे वो कहता है कि एग्जाम्पल ले लें, अगर आपने एक ड्राई सीड जो है वो एम्बाइबेंट के तौर पे इस्तेमाल करना है तो उसका वाटर पोटेंशियल जो है वो -900 bars जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। उसके दरमियान वो कहता है कि आपने जब भी इम्बाइबेशन करवानी है एम्बाइबेंट के जो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो बहुत जो है वो आपके पास माइनस में होना चाहिए ताकि जो है वो वाटर मूव कर सके एम्बाइबेंट की तरफ, एम्बाइबेंट के ऊपर जो है वो अच्छी तरह से जो है वो एड्जॉर्ब हो सके। कहता है जैसे जैसे वाटर जो है वो एड्जॉर्ब होता जाएगा वैसे वैसे जो है वो वाटर पोटेंशियल आपके पास लेस नेगेटिव होता जाएगा। और यहाँ पे आपके पास जो है वो कहता है कि जब वाटर पोटेंशियल जो है वो बराबर हो जाएगा वाटर तो वाटर का अपना पोटेंशियल और एम्बाइबेंट का जो वाटर पोटेंशियल है इनका ग्रेडियंट जब इनमें फ़र्क नहीं रहेगा
माइनस से वैल्यू ज़ीरो पे आ जाएगी तो इम्बाइबेशन भी आपकी रुक जाएगी, मज़ीद वाटर जो है वो एड्जॉर्ब नहीं होगा। नेक्स्ट चीज़ जो बहुत ज़रूरी है इम्बाइबेशन के लिए, वो कहता है कि आपके पास इम्बाइबेंट और लिक्विड जो इम्बाइब्ड हो रहा है, जिसने इम्बाइब होना है, उन दोनों के दरमियान अफिनिटी होनी चाहिए, उन दोनों के दरमियान जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस होनी चाहिए। जैसे कि वो कहता है कि अगर आप किसी ड्राई सीड को, किसी भी ड्राई सीड को, मटर का दाना ले लो ड्राई फॉर्म में आपने रखा हुआ है, या फिर आप जो है चने का ले लो, दाल, चने की दाल ले लो, उसमें वो कहता है कि अगर आपने ड्राई सीड जो है वो ईथर में डाल दिया है, ऑर्गेनिक हैं दोनों, पर दोनों की आपस में अफिनिटी नहीं है, यहाँ पे जो है वो प्रोटीन्स और क्ले वगैरह को प्रोटीन और स्टार्च वगैरह को जो है वो सेलुलोज वगैरह को ईथर की ज़रूरत नहीं होती, तो वो कहता है कि आपके पास वो कभी भी ड्राई प्लांट मटेरियल, अगर आपने डाला है, सीड लिया है या वुड ली है, जो भी आपने लिया है, आप उसको ईथर में डाल दोगे तो वो इम्बाइब नहीं करेगा, उसको आप उसको वाटर में डालोगे, वाटर के साथ उसकी अफिनिटी है, प्रोटीन और स्टार्च, प्रोटीन सेलुलोज वगैरह के मॉलिक्यूल जो हैं वो फौरन से जो है वो वाटर को इम्बाइब करना शुरू कर देंगे। इसी तरह आप रबर लो, रबर को आप वाटर में डालो, इन दोनों उसकी रबर की जो है वो अफिनिटी नहीं है, रबर और वाटर के आपस में अफिनिटी नहीं है दोनों की, तो रबर कभी भी जो है वाटर को इम्बाइब नहीं करेगा। यही रबर अगर आप उठा के किसी भी ऑर्गेनिक लिक्विड में या ईथर में डाल दो तो रबर जो है स्वेलअप होना शुरू हो जाएगी, उसको जो है वाटर को इम्बाइब करेगी। जब भी इम्बाइबेशन होगी वो जो चीज़ जो इम्बाइबेंट है वो हमेशा जो है उसका सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा होगा इम्बाइबेशन के नतीजे में। फिर वो कहता है कि अगर आपके पास जो है वो वुड है या सीड जो है वाटर में डाला जाए तो उसकी अफिनिटी की होने वजह से जो है वो उसको एब्जॉर्ब करता है, यही वजह है कि सीड और वुड जो है स्वेलअप हो जाती है वाटर के अंदर। फैक्टर्स हम इसके बाद डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन सा फैक्टर जो है वो होता है जो इफ़ेक्ट कर सकता है इम्बाइबेशन को डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो पहला फैक्टर जो डिस्कस कर रहे हैं वो टेम्परेचर है। टेम्परेचर वो कहता है कि आपके पास इस चीज़ को जो है वो इफ़ेक्ट नहीं करता कि इम्बाइबेशन कितनी होनी है, इम्बाइबेशन जो है वो टेम्परेचर के इनक्रीज़ करने से जितनी होनी है उतनी ही होगी, पर उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। आप लोगों ने चना जो है वो भिगोया भी होगा घर में, आप उसको देखो, आप ठंडे पानी में उसको भिगोते हो तो उसका सरफेस एरिया फूलना उतना ही है, पर इम्बाइबेशन उसका टाइम लेगी, उसके फूलने में टाइम लगेगा। वही चना अगर आप गर्म पानी में डाल देते हो तो क्या होगा कि टेम्परेचर इनक्रीज़ की वजह से वो जल्दी स्वेलअप करना शुरू कर देगा, उसने वाटर जो है अपटेक उसने ज़्यादा जल्दी कर लेना है, उसको ढेर जो है उसको साथ ज़्यादा जल्दी कर देना है, जॉब ज़्यादा जल्दी करना है एज़ कम्पेयर टू द कोल्ड वाटर। तो इम्बाइबेशन दोनों में एक जितनी है, चाहे आप जो है वो उसको सीड को वाटर में ठंडे में डालो या फिर उसको गर्म में डालो, दोनों में इम्बाइबेशन एक ही जितनी होनी है, क्योंकि उसका वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट कभी भी चेंज नहीं होगा टेम्परेचर की वजह से। पर क्या है कि इम्बाइबेशन की स्पीड जो है वो टेम्परेचर के चेंज से ज़्यादा हो जाती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे सोल्यूट पोटेंशियल है। सोल्यूट पोटेंशियल में जो है वो कहता है आपके पास वाटर जो है उसने कितना इम्बाइब्ड होना है, यानी इम्बाइबेंट ने कितना पानी एड्जॉर्ब करना है, वो डिपेंड करता है कि उसके सोल्यूट्स की मकदार जो है वो कितनी है। अगर सोल्यूट ज़्यादा हैं इम्बाइबेंट में तो आपके पास जो है वाटर ज़्यादा इम्बाइब होगा, अगर ग्रेडियंट का फ़र्क जो है वो कम है तो कम वाटर इम्बाइब होगा। जैसे हमने जो है अभी एग्जांपल स्टडी की थी तो उसमें हमने कहा था कि सिर्फ तब तक वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होना है जब तक ग्रेडियंट का फ़र्क आ रहा है, जैसे ही ग्रेडियंट का फ़र्क दोनों में ख़त्म हो जाएगा, इक्विलिब्रियम जो है वो आपके पास इस्टेब्लिश हो जाएगी, तब मज़ीद जो है इम्बाइबेशन या स्वेलिंग अप जो है किसी भी चीज़ की नहीं होगी। तो सोल्यूट पोटेंशियल जो है वो आपके पास
ज़रूरी चीज़ है। सिग्निफिकेंस ऑफ इम्बाइबेशन क्या है? सिग्निफिकेंस जो है उसमें आप कहते हो कि ड्राई सीड जो है वो कभी भी आपके पास जो है वो ग्रोथ फॉर्म में नहीं जाता, डोरमेंट पड़ा रहता है, अपनी ग्रोथ नहीं करेगा, अनफेवरेबल कंडीशन को बर्दाश्त कर जाएगा। जबकि आपके पास जब आपने इसको ग्रो करवाना है तो आप उसको वाटर में जो है वो इमर्स्ड कर दोगे, वाटर में उसको सबमर्ज करोगे, तो उसकी जर्मिनेशन जो है वो फिर आप नेक्स्ट जब भी उसे लगाओगे तो जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। एक ये फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपके पास वुड अगर आप पानी में डालते हो तो स्वेलअप कर जाती है। जब भी फर्नीचर्स बनाते हैं उससे पहले जो है वुड को कुछ देर के लिए वाटर में इमर्स कर देते हैं, पड़ा रहने देते हैं, जिसकी वजह से जो है वुड स्वेलअप कर जाती है, फिर ड्राई होकर उसका फर्नीचर जो है वो अच्छी फॉर्म में बनता है, वो क्योंकि वो इतना ड्राई नहीं होता मटेरियल। फिर उसमें आप थर्ड पॉइंट यहाँ पे जो देख रहे हो, थर्ड पॉइंट जो है वो आपको उसकी नेगेटिविटी थोड़ी सी बता रहा है कि वो कह रहा है कि आपके ड्रोर फ्रेम जो होते हैं या डोर जो होते हैं वो होते हैं लकड़ी के बने हुए। लकड़ी जो है वो आपको पता है कि ये ड्राई वुड मटेरियल जो है इसने वाटर को इम्बाइब करना है, और सर्दियों के मौसम में या मॉइस्चर वाले मौसम में जब पानी जो है इन्वायरमेंट में उसका मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है तो वो वाटर जो है उसको इम्बाइब करना शुरू कर देगा वुड, जिसके नतीजे में फ्रेम वुड फ्रेम जो है वो स्वेलअप हो जाएंगे या आपका डोर जो है वो स्वेलअप हो जाएगा, जिसको बंद करना जो है वो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगर आपको वैसे ही इम्बाइबेशन का पता है तो फिर आप थोड़ी सी जो है वो आप इतनी उसकी जो है वो गुंजाइश रखो कि सर्दियाँ गर्मियाँ जो गर्मी सर्दी में जो है या रेनी सीज़न में जो है वो आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करने ना पड़े। ये आपका इम्बाइबेशन का जो है एक टॉपिक है, होपफुली आपको समझ आ गया।